लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के खिलाफ एक मंच पर इकट्ठा हुआ विपक्षी दलों का गठबंधन दरकता दिखाई दे रहा है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को ताजा झटका लगा है कश्मीर में। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। ये तीनों सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है और पार्टी ने पहले ही 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया हुआ है। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ेंगे और इस सीट पर पहले से ही एक पूर्व मुख्यमंत्री ने दावेदारी कर रखी है, यानी 2 पूर्व मुख्यमंत्री अनंतनाग राजौरी सीट पर आमने सामने होंगे, जिनके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही एक और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला श्रीनगर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है और वहां पीडीपी ने उनके सामने किसे उतारा है, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है, आप लोकमत हिंदी देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन आधा दरकता और आधा एकजुट दिखाई दे रहा है। आधा इसलिए क्योंकि 3 सीटों पर जम्मू कश्मीर की 2 प्रमुख पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक दूसरे से लड़ रही हैं, जबकि बाकी 2 सीटों पर गठबंधन की तीसरी पार्टी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जिसे दोनों पार्टियों का समर्थन है। कश्मीर की 3 सीटों श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा है। उमर अब्दुल्ला खुले मंच से कई बार ऐलान कर चुके हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जम्मू की 2 सीटें जम्मू और उधमपुर कांग्रेस के पास है, यानी चुनाव लड़ने के लिए इस गठबंधन में सीट शेयरिंग में कांग्रेस को ये दोनों सीटें दी गई हैं। बस्ती है पीडीपी। महबूबा मुफ्ती लगातार इस प्रयास में थी कि उन्हें अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट मिल जाएगी, यानी कि 5 में से 2 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को, 2 सीट कांग्रेस को और 1 अनंतनाग राजौरी पीडीपी को। 5 में से केवल 1 सीट पीडीपी इंडिया गठबंधन से मांग रही थी। खुद पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी। ये वही सीन है जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि दे दो हमको 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, लेकिन बात यहां पर बन नहीं पाई और महबूबा मुफ्ती ने खुले मन से फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन का सबसे सीनियर लीडर बताते हुए ये भी कहा कि गठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल करने की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 भी सीट पर पीछे हटने को तैयार नहीं हुई। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घाटी की 3 सीटों में से कोई भी 1 सीट छोड़ने से इनकार कर दिया, तो पीडीपी ने भी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। खुद पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ेंगी और इसी सीट से एक और पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में होंगे, कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद। बीजेपी ने सीट पर अभी तक अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है और माना जा रहा है कि बीजेपी सीट पर गुलाम नबी आजाद को सपोर्ट कर सकती है। हाल ही में हुए परसमीन से पहले अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट को अनंतनाग नाम से ही जाना जाता था। इस सीट से महबूबा मुफ्ती 2 बार सांसद रह चुकी हैं। उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद भी 1998 में कांग्रेस के टिकट पर इस सीट से सांसद रह चुके हैं। हालांकि 1999 से लेकर 2019 तक 5 आम चुनाव में 3 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और 2 बार पीडीपी को जीत मिली है। 2014 में महबूबा मुफ्ती 2री बार अनंतनाग से सांसद चुनी गई थी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में वे इस सीट पर 3रे स्थान पर रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी को इस सीट से जीत मिली थी। हालांकि 2019 के चुनाव में वोटिंग को लेकर आतंकियों की धमकी का असर भी देखने को मिला था और इस सीट पर केवल 12% मतदान हुआ था। अब 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां से गुर्जर समुदाय में प्रभावशाली मियां अल्ताफ अहमद को टिकट दिया है। महबूबा मुफ्ती के आने के बाद इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बीजेपी इस सीट पर गुलाम नबी आजाद को सपोर्ट कर सकती है। हालांकि अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इसके अलावा श्रीनगर से पीडीपी ने वहीदुर रहमान पारा को चुनाव मैदान में उतारा है। इस सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पीडीपी के यूथ विंग के अध्यक्ष रहे वहीद पारा को उनके शानदार सांगठनिक कौशल के लिए जाना जाता है। वहीदुर रहमान पारा को 370 के निष्प्रभावी होने के बाद टेरर फंडिंग के एक केस में एनआईए ने गिरफ्तार भी किया था। जेल में ही रहते हुए पारा ने अपने गृह क्षेत्र पुलवामा से डीडीसी चुनाव में जीत भी दर्ज की थी। पारा की उम्मीदवारी का ऐलान करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वहीदुर रहमान पारा सबसे बड़ा उदाहरण है जो पिछले कुछ सालों में कश्मीर के युवा लगातार झेल रहे हैं। तो कश्मीर की राजनीति पर हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए लोकमत हिंदी।